महात्मा गांधी कॉलेज में वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 22 प्रतिस्पर्धा हुई, जो दो वर्गों में बालक तथा बालिका में विभाजित थी। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के 450 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। क्रीडा प्रतियोगिता में बालक वर्ग में आयुष यादव तथा बालिका वर्ग में करिश्मा चौहान को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। हाई जंप और भाला फेंक प्रतियोगिता आयोजित हुई। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा सील्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिसके संबंध में पवित्रा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्याम कुमार सिंह ने बताया कि संस्थाओं में इस प्रकार के आयोजन से छात्रों में प्रतिस्पर्धा गुण बना रहता है और प्रतिस्पर्धा का गुण रहने से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। जीवन में प्रतिभाग महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रतिभाग नहीं करेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए खेल आवश्यक है। खेल से मानसिक व शारीरिक में वृद्धि प्राप्त होती है। खेल में हार को स्वीकार कर लेने की सीख मिलती है, जिससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। इस अवसर पर प्रोफेसर एस के श्रीवास्तव, प्रोफेसर अवनीश, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सी पी सिंह, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव सहित शिक्षा कर्मचारी छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पवित्रा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्याम कुमार सिंह ने कहा, रजनी गुप्ता हारा हारा रजनी फाइनल में फेंका था भाई 89-90। अभी हम इससे डॉक्यूमेंट ध्वनि से स्वागत करें अपने विशिष्ट अतिथि का। आज की इस क्लोजिंग सेरेमनी में सर ठाकुर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह सर जी आप इसको एक फ्रेम में, श्रुति पांडे कंसोलेशन में है, दिव्या भारती फर्स्ट है, अर्पिता सोनी सेकंड, गर्ल्स प्रियंका वर्मा, एकता शर्मा थर्ड है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के विज्ञान वर्ग में सर्वोच्च स्थान रखने वाले इस महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में आज द्विदिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें देख करके बच्चों की प्रतिस्पर्धा क्रीड़ा की देख करके अच्छा लगा और उनका सामंजस्य आपस में बहुत अच्छा था और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर और बच्चों में खेल के माध्यम से? संदेश ये होना चाहिए बच्चों के पास कि आज के इस परिस्थितियों में बच्चों को भी पढ़ाई से लेकर के तनाव तो है, ये तनाव के साथ साथ मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए शारीरिक स्फूर्ति और स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद आवश्यक है और खेल कूद में प्रतियोगिता जो होनी चाहिए और जो विनर हैं उनको तो हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन है, जो रनर हैं उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगली बार वो विनर की कैटेगरी में आएं।